तुमने माही से ऐसा क्या कह दिया कि उसे तुम्हारी बात समझ में आ गई? यही कि देव ने अमला को छोड़ दिया और ब्रेकअप के बाद अमला बहुत अपसेट थी और अबीर ने ही अमला को संभाला। वीरेन जी से बात कर रही थी। और बताओ क्यों बात करती रहती है उनसे आप? क्यों बताओ, किस बारे में बात कर रही थी? माही के बारे में। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने, अब बातें बनाकर उसकी जिंदगी गुजार। देव मेरा पीछा कर रहा था आज। तो हर जगह मेरे पीछे क्यों पहुंच जाता है यार? अपने मामा से जाके पूछना। आई विल टॉक टू डैड, मैं बताऊंगा उनको। अपने ही सामने मामा जी को ऐसी झाड़ पकाऊंगा ना कि वो याद रखेंगे। आपने अमला पे हाथ उठाया, किधर देखे आप? अगर आज के बाद उस पर एक उंगली भी उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपनी लाड़ी की इतनी फिक्र? राजीवा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, नई नई दुल्हन पर बड़ा प्यार उमड़ रहा है। अजीवा अजीवा, चलो नजर न लगे। अच्छा है हमारी अमला को इतना प्यार करने वाला पति मिला है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुमने क्या कहा था मुझे बेरेन? That I'll handle all this. What happened? ये तो बद से बदतर हो गया। वो आदमी पूरे शहर में मेरे बेटे का पीछा कर रहा है। What happened to the security? Bodyguard? निकाल दिया इसने बॉडीगार्ड को। इसे भी तो कुछ कहिए ना, बड़ा हीरो बन रहा है। अब सारे काम छोड़कर मैं इसके पीछे लग जाऊं क्या? क्या कह रहे हैं ये सुवीर? और रही बात मेरी, मैं तो आपके बेटे की ड्यूटी कर ही रहा हूं ना। आज मैडम माई पहुंच गई थी अमला के घर पे। व्हाट? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ, अमला से उस रात का सच पूछने गई थी। सुवीर पर भरोसा ही नहीं है उसे। ओह माय गॉड। ये तो अच्छा है कि उस लड़की की भाभी हमारी जेब में है, इसीलिए उसने कोई बात होने ही नहीं दी। लेकिन फिर अबीर माही को अपने साथ ले गया और फिर उन दोनों की बात हुई। कुछ बताया तो नहीं अबीर ने माही को? अबीर को मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, उसी वजह से वो चुप है। हर बात के लिए मुझे नकारा समझते हो ना आप लोग, लेकिन हूँ नहीं। देखिए अबीर भी मेरे कंट्रोल में है, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। और उस लड़की की भाभी भी, माही भी अभी के लिए चुप हो गई है। उसने अबीर से बात की? ये तो हद है जासूसी की। तो और क्या करेगी, कांड ही तुम्हारे ऐसे है ना। अब तुम इस बात के लिए जाके उसे झगड़ा मत करना, पता चले कि बात और भी बिगड़ गई। तुम बस ऐसे एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम उससे बहस करोगे ना भांजे, तो वो फिर सोचेगी। उसे सोचने मत दो, उसे वो गिल्ट अपने मन में पालने दो। अरे उसे जितना बुरा लगेगा ना उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो देव, देव का क्या? डैड उसे यहां जॉब नहीं देना चाहिए था, वो कभी भी कहीं से भी टपक सकता है। I'm scared. माई को मैंने संभाल लिया ना, अब देव की बारी है। शांत हो जा भाई, उसे काम में ऐसे उलझाऊंगा ना कि अमला तो क्या, वो बेचारा खुद का नाम ही भूल जाएगा। अंदर या बाहर? बाहर पब्लिक की भीड़ इकट्ठा क्यों करें, अंदर ही निमटा देते हैं उसे। चलो ये रहने दे, इसको अब चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रहे पैसा लिए क्या हो रहा है?
अबे बात कर रहे हैं तेरे से, अकड़ क्यों रहा अभी इतना? है कौन आप लोग? सवाल हम लोग पूछेंगे, तू नहीं। तो चर्बी चढ़े ली तेरे को, वो शाना है तू, हीरो है तू। ये ले अबीर की तरफ से तोहफा। पर तू सुन बे, आज के बाद तेरी लॉज में नजर नहीं आना चाहिए, वरना तेरी लॉज का सारा सामान तेरे ही सर पे तोड़ दूंगा। और पुलिस को कॉल लगाए ना तो। चलो बे। देखिए मैं यहां पर आपकी परजाई के लिए नहीं हूं, मैं यहां पर हूं तो मनु के लिए और आपके लिए। और आपको कोई भी तकलीफ है, कुछ भी बात है तो आप मुझे बता सकते हो। पुष्पा क्या गिरा? देव की तस्वीर है। देव किसी मुश्किल में? हमारा देव किसी मुश्किल में है जी? अंधेरे में गिर गई होगी। नहीं, मेरा जी सुबह से ही मचला रहा था और अभी आप शगुन। आप देव को फोन लगाइए, मुझे देव से बात करनी है। आप फोन लगाइए उसे, जल्दी कीजिए आप। एक मिनट लगाता हूँ, लगाता हूँ। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। आप जिस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं वो क्या हुआ जी? फोन नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे? बोल रहा है कि क्षेत्र से बाहर है। देखो, मैंने कहा था ना कुछ हुआ है। पुष्पा रो मत, हैं? तू अब सो जा, मैं सवेरे बात करवा दूंगा। सवेरे? हे शंकर जी, मेरे देव की रक्षा करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। हेलो, काम हुआ? इसीलिए कॉल किया है। गुड, वेरी गुड। ये हो गया है देव का हिसाब। हाँ बबलू सिंह बोलो। काम हो गया। वेरी गुड, पैकेट पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। मलिक साहब ने पर्सनली थैंक यू कहा है। अब देव कुत्ते की तरह अबीर को सूंघ निकालेगा। अपने लड़कों के लिए तो उसे अब फुर्सत ही नहीं होगी। पता नहीं, बबलू के लड़कों ने उसे पीट भी दिया है, अब तो और भी बौखला जाएगा। हाँ, लेकिन गुंडों ने उसे मारते वक्त ये भी तो कहा है ना कि अबीर ने उन्हें भेजा है। देव का सबसे बड़ा दुश्मन अब अबीर बन जाएगा जीजा जी, वो बिजी हो जाएगा अबीर के पीछे। और अगर अबीर ने देव को बता दिया सब कुछ तो? अबीर उससे मिलेगा तभी तो सच बता पाएगा ना। मैं तो अबीर को देव की पहुंच से बहुत दूर भेज रहा हूँ जीजा जी, उसका पासपोर्ट बनवा रहा हूँ मैं। देव बिजी हो जाएगा और तब तक हम अबीर को बाहर निकाल देंगे। I hope so. जल्दी निपटा सर। Come on यार जीजा जी, ये तो मानना ही पड़ेगा ना, मेरा प्लान बहुत अच्छा है। Cheers. ये मंदू भी ना बड़ी अजीब औरत है, जब देखो तब
अमला पे जुल्म करती रहती है, और इस पूरे कांड में सबसे ज्यादा बुरा मंदो ने किया है अमला के साथ। ऊपर से जब देखो तब उस पे जुल्म करती है, तो किसी को तो उसने रोकना ही पड़ेगा ना। आज तो मुझसे देखा नहीं गया, जब देखो तब सर पर चढ़ी रहती है। अरे बेचारी अमला भी अपने मन की बात किससे कहे, अपने पांव से तो वो बेचारा खुद अपने मन की कहां कह पाता है। दिमाग से बच्चा है बेचारा। और मन्नु वो अपनी बुआ के साथ खेल तो सकता है, लेकिन उसके मन को हल्का नहीं कर सकता। अपने पांव का मुंह देखकर अपने परजाई की हर बात सहती है। अबीर उसके साथ कोई नहीं रहा है, तू देख रहा है ना बेटा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना, हमेशा उसका साथ देना, उसे सहारे की बहुत जरूरत है। मासूम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती है मुझसे वो। उसके साथ जो भी कुछ हुआ है ना, उसके आगे नफरत तो बहुत छोटी चीज है। और तू प्रायश्चित करना चाहता है ना, उसे सहारा दे, उसका साथ दे, तो तुझे भी लगेगा कि तेरा जुर्म कुछ कम हुआ है। कभी कभी तो उसे देखकर मुझे तेरी माई की याद आती है। माई की बात कहां से आ गई इसमें, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखिए मैं यहां पर आपकी परजाई के लिए नहीं हूं, मैं यहां पर हूं तो मनु के लिए और आपके लिए। और आपको कोई भी तकलीफ है, कुछ भी बात है तो आप मुझे बता सकते हो। तुम्हें इतना बड़ा मौका मिल रहा था, अब मुझे उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि तुम्हें नेक्स्ट टर्म में ज्वाइन करने दें। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन होता तुम्हारा और अब सब वेस्ट क्योंकि साहब की हालत खराब है। तुम अपनी लाइफ खुद बर्बाद करने पे क्यों तुले हो विराज, व्हाई? बेटे अभी भी संभल सकते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, जो हो गया उसे जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तुम अपनी पूरी लाइफ ये सोचकर वेस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, कम ऑन। देखो विराज, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। अरे गलती सभी से होती है, तुम्हें बुरा लग रहा है ना, गुड, बुरा लगना चाहिए, अब उससे सीखकर आगे ऐसा मत करना। अरे लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, बुरा सपना समझकर भूल जाओ। वाह, किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो और भूल जाओ, किसी की इज्जत से खेलो और भूल जाओ। आप क्या सिखा रहे हैं इसे, आपको लगता है कि इतना आसान है भूल जाना? हाँ, और तुम कितने अच्छे से सुन रहे हो, बाप सिखा रहा है और तुम सीख रहे हो, वेरी गुड बेटा। जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ, और जिसकी जिंदगी नर्क बना दी है तुम्हें उसके बारे में क्या सोचना, क्योंकि वो तो तुम्हारी तरह अमीर है नहीं, तो फिर उसे क्या हक है इज्जत की जिंदगी जीने का, डरावने सपने से मुक्त होने का, है ना? सब कुछ भूल जा और लंदन जाके ऐश करो, और फिर गम भुलाने के लिए शराब तो है ना, ड्रिंक विद योर डैड। दिमाग खराब हो गया इस औरत का, डोंट लिसन टू हर विराज, हर छोटी सी बात पे से ड्रामा करना होता है आजकल। क्या छोटी सी बात, एक तरफ आप हो जो बोल रहे हो कि एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो गई है, एंड इट्स छोटी सी बात, और दूसरी तरफ मॉम है जो मुझे क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही है, नफरत करती है वो मुझसे। आई कांट फॉरगेट डैड, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई कांट फॉरगेट। आप दोनों मेरे लिए लड़ जरूर रहे हो, बट यू डोंट केयर फॉर मी। विराज बेटा ऐसा नहीं है। डैड आप प्लीज यहां से जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विराज बेटे डैड प्लीज आप जाओ ना, प्लीज। We'll be right back.
भाई साहब, इतनी रात में कहाँ जाऊंगा? ए भाई, इधर पे रहने का नहीं, किधर भी जाओ। ये जो सारा सामान तोड़ा है ना, उसका पैसा लगाया मैंने। ले लो। आपने देखा था ना कि सारा पैसा लूट के ले गए। आप मुझसे रुपया मत मांगो। देखो, प्रॉब्लम खड़ा करने वाला चाहिए ही नहीं इधर पे, समझे? चलो पैसा दो और निकलो यहाँ से। थोड़ा जल्दी करना यार। भाई साहब, आज रात के लिए रुक जाने दो, कल सुबह मैं चला जाऊंगा। देखो, तुम्हारे कारण और भी गेस्ट लोगों को प्रॉब्लम होगी। चलो, बहुत हो गया, चलो पैसा दो, दो पैसा दो, निकालो पैसा। अरे दो ना यार, दो। नहीं देता पैसा, जो करना कर लो। सब कुछ खाने को है क्या? इडली है ना साहब। कितने की? 10 रुपए की है। दो आगे किटली दे दीजिए। साहब, मेरे पास सिर्फ 7 रुपए हैं। क्या साहब, रात को मगजबारी नहीं करने का। लीजिए, आप लीजिए। क्या साहब, भाई साहब बड़ी भूख लगी है, आधा ही दे दो। आधा तिहाई कुछ नहीं होता। से आ गया? अरे आ रही हूं। इसे भी क्या जल्दी है कि टाइम से पहले आ गया ये। क्या? दे? Oh my God, तुम? ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? सॉरी, वो मैं बाद में कभी आ जाऊंगा। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, ना ही कोई आ रहा है। इस वक्त तुम अंदर आ जाओ। नहीं, कम 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 ऑन इन, कम इन। अब इस तरफ कम। पैर पे भी चोट लगी है क्या? हाँ। किसी डॉक्टर को दिखाया या पेन किलर लिया, कुछ लिया दवाई? नहीं। पानी पी लो। सुनिए, परजाई ने पहले ही मारा है क्या? मासू ने बताया मुझे। देखिए, मैं
यहाँ पर आपकी परजाई के लिए नहीं हूँ, ना ही आपके बाबू के लिए। मैं यहाँ पर हूँ तो मनु के लिए और आपके लिए। मेरा मतलब कि अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कुछ भी बात है तो आप मुझे बता सकते हो। तुम तकलीफ दूर करोगे? तुम ना जी ना, माफ करो मेरे को। आज के बाद अगर मेरे से झूठ बोला और धंधे के टाइम पे आज के बाद अगर मैं इससे झूठ बोला और धंधे के टाइम पे